Supriya Sule ji. मैडम यू आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नीरा नाम की एक आदर्श स्टेशन है. सुरेश जी जब मंत्री थे उन्होंने उसको आदर्श स्टेशन बनाया था और 3 साल हुए इस बात के, तो आपका आदर्श स्टेशन का एग्जैक्ट प्लान क्या है और ये आदर्श स्टेशन कब पूरा हुआ? शौचालय नहीं बनाए, नए प्लेटफॉर्म्स की मांग है, तो ये आदर्श स्टेशन नीरा स्टेशन जो पुरंदर पुणे डिस्ट्रिक्ट में है वो कब पूरा होगा और ये आदर्श स्टेशन एग्जैक्टली क्या स्कीम है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ज्यादा कुछ निधि इसके लिए आया नहीं है. माननीय अध्यक्ष महोदय, आदर्श स्कीम में जो स्टेशंस, कई बार तो यहाँ पे भारत में स्टेशन 100-100 साल पुराने हैं, कई 70-80 साल पुराने हैं, काफ़ी बुरे हालत में थे. और मैं अभी अभी आंकड़े देख रहा था कि स्टेशंस को सुधारने के लिए पहले कितना पैसा खर्चा होता था, तो मैं जैसे 9-10 के आंकड़े देख रहा था तो 1,000-1,100 करोड़ रुपए लगते थे, उसके और पीछे जाएं तो 8-9 में 700 करोड़, तो छोटे छोटे अमाउंट्स एलोकेट होते थे स्टेशन डेवलपमेंट के लिए. सभी माननीय सदस्यों को जान के खुशी होगी कि हमने किस प्रकार से स्टेशंस को डेवलप करने के लिए बल दिया है, जोर लगाया है, और अब लगभग साधारणतः 1,500-1,700 करोड़ रुपए हर वर्ष अलग अलग क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पैसेंजर एमिनिटीज देश भर में जो इसेंशियल है वो हम प्रोवाइड कर सकें. ये फिगर के अलावा जो फुट ओवर ब्रिजेस, अंडर ब्रिजेस, ये सब है वो अलग है, वो सेफ्टी के अंदर आते हैं. ऐसी परिस्थिति में आदर्श स्टेशन की जो कल्पना थी वो थी कि जो बहुत एसेंशियल पैसेंजर एमिनिटीज हैं, स्वाभाविक है अच्छा टॉयलेट होना चाहिए, माननीय सांसद ने पहले कहा लेडीज जेंट्स टॉयलेट अलग होना चाहिए, उसकी हमने एक देश भर में मुहिम चलाई है कि अगले 3-4 महीने में कैसे हम हर स्टेशन जो एक्टिव स्टेशन है, हॉल्ट स्टेशन में तो हमारे लोग नहीं रहते हैं, वहाँ भी मैंने कहा हम कोशिश करें, पर वहाँ मेंटेनेंस की एक प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कोशिश है कि पूरे देश में हर स्टेशन में महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए एक अच्छा स्टेशन, अच्छी फैसिलिटीज, और उसके लिए थोड़ा खर्च कि वो मेंटेन हो सके, पानी की टंकी हो, पानी मिले. इसी प्रकार से वेटिंग रूम हर स्टेशन पे नहीं है, पर जहाँ जहाँ है उसको कैसे अपग्रेड किया जाए. प्लेटफॉर्म के सरफेस के लिए एक नई मेरे मन में कल्पना है कि हम कुछ रफ स्टोन लगा के सब प्लेटफॉर्म्स को बनाएं, जिससे फिसलने की समस्या से हम फ्री हो सके. इस प्रकार से जो एसेंशियल्स हर स्टेशन में है, लाइटिंग, हमने देश के हर स्टेशन पे ब्राइट एलईडी लाइटिंग लगा के उसको ब्राइटली लिट स्टेशंस के रूप में कल्पना की है. इसी प्रकार से जो एंट्री एग्जिट है, कई बार वहाँ दुकानें वगैरह आने से बहुत तकलीफ होती है, उसको कहा गया है अधिकारियों को कि वो एंट्री एग्जिट को फ्री किया जाए, इंग्रेस और आउटग्रेस के लिए इजी हो जाए. इस प्रकार से आदर्श, पूर्ण रूप से एकदम आदर्श स्टेशन बनाने की तो शायद क्षमता और बजट कोई भी सरकार नहीं दे पाएगी. 8,000 से अधिक 8,600 स्टेशन है देश में, लेकिन अपने पॉकेट के हिसाब से, अपनी जेब में जो कमाई आती है, जो आप सब जानते हैं लगभग 43% सब्सिडाइज पैसेंजर ट्रैवल है भारत में. अगर 100 रुपए खर्च होते हैं तो पैसेंजर से टिकट के माध्यम से सिर्फ 57 रुपए लिए जाते हैं. 43% एक प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बजट सपोर्ट से रेलवे चलती है. तो मुझे लगता है ऐसी परिस्थिति में अपने अवेलेबल फंड्स के हिसाब से जितना अच्छा सुविधा दे सके उसकी पूरे प्रयत्न भारत सरकार कर रही है. क्वेश्चन नंबर 102 श्री हेमा.